भाइयों और बहनों, बिहार के लोगों की इन अपेक्षाओं की पूर्ति अगर कोई कर सकता है तो आपको भी भरोसा है, देश को भी भरोसा है, ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए कर सकता है। आपकी इन अपेक्षाओं की पूर्ति एनडीए के द्वारा होना तय है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के पीछे भी यही प्रेरणा है, यही प्रोत्साहन है। इस अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य देश के, बिहार के अपने सामर्थ्य को नई ऊर्जा देने का है। इस अभियान का लक्ष्य बिहार के युवाओं को नए अवसर देने का है, नए रास्ते दिखाने का है। इसके लिए एनडीए सरकार दिन रात काम कर रही है। बीते समय में शिक्षा से लेकर शासन तक, किसान से लेकर श्रमिक तक, ईज ऑफ लिविंग से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक के लिए अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज 3.5 दशक बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को मिल चुकी है। इस शिक्षा नीति में भाषा और अवसरों के अभाव के कारण बिहार का जो हमारा गरीब और वंचित छूट जाता था उसको सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। यही नहीं, बिहार जैसे राज्यों में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स और क्वालिटी टीचर्स के लिए भी एक खाका इसमें खींचा गया है। साथियों, पढ़ाई ही नहीं, सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। अगर SC ST के आरक्षण को 10 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है, इसी पार्लियामेंट के सत्र में हमने समाज के प्रति सामाजिक न्याय का यह कदम उठाया है, तो सामान्य वर्ग के गरीबों को भी सामाजिक न्याय का हक है। और इसलिए सामाजिक वर्ग के गरीबों को भी 10% का आरक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार ग्रुप बी और ग्रुप सी की सेवाओं से इंटरव्यू पहले ही खत्म किया जा चुका है। वे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मायाजाल था, उसे खत्म कर दिया। अब और एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम लिया है, अब कंपिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था में भी अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत अब रेलवे, बैंक और दूसरी अनेक सरकारी भर्तियों के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था, ये बहुत बड़ा सुधार है। अलग अलग एग्जाम खत्म होने से युवाओं की ऊर्जा, कोचिंग में लगने वाला धन और समय, परेशानी, सब कुछ बहुत कम हो जाएगा। इससे भर्तियों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी, वरना पहले तो हर एक के लिए अलग फॉर्म भरो, हर एक के लिए अलग एग्जाम दो और एक ही डेट में दो एग्जाम आ गई तो कहां जाओ कहां ना जाओ परेशानी। ये सब अब खत्म कर दिया गया है और अब दूर दूर तक जाना भी नहीं पड़ेगा, अपने जिले में व्यवस्था मिल जाएगी, ताकि आप हिंदुस्तान की बड़े से बड़ी किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं आपका रास्ता खुल जाएगा। आज आत्मनिर्भर बिहार के माध्यम से अगर भाजपा और एनडीए नए रोजगार निर्माण का रोडमैप रख रही है तो उसके पीछे इन्हीं सुधारों का आत्मविश्वास है।